व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका आर ओ में सिलेक्शन नहीं हुआ निराश हैं। देखिए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए आर ओ की जो वैकेंसी आने वाली है, आप अपनी कसर, जितनी आर ओ में कसर रह गई थी ए आर ओ में निकालिए और उन विषयों को पहले चुनिए जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। देखिए, आपको पता है कि सिविल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिविल वाले, उनकी जी एस अच्छी होती है, तो आप ऐसे विषयों को चुनिए जो सिविल वालों की थोड़ा कमज़ोर होती है। देखिए, सिविल वालों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, आपको पता है सिविल वालों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। प्लस सिविल वालों की कंप्यूटर थोड़ा कमज़ोर होती है, तो आप कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं अभी आपको दोनों किताब बता रहा हूँ कि आपको कौन सी किताब पढ़नी जिससे आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं प्लस कंप्यूटर में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डेली वीडियोज़ मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको डेली वीडियोज़ दूंगा और आपको कैसे तैयारी करनी है मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के वर्ड पावर की, क्योंकि देखिए जनरली ग्रामर सभी को आती है, तो हम लोग पहले थोड़ा वर्ड पावर की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ड पावर के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वर्ड पावर डेली मैं इसमें अपलोड करता हूँ। जो द हिंदू न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल सेक्शन का वर्ड पावर वोकैबुलरी मैं इसमें डेली अपलोड करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डेली वोकैबुलरी वर्ड पावर मिले तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक को क्लिक करिए, इसको ज्वाइन करिए, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही ये समझ लीजिए मैं आपको पूरा तैयार करके दूंगा। केवल आपको पढ़ना है, नोट करना है, डेली रिवाइज करना है। ठीक है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की आपकी पूरी वोकैबुलरी हो गई। इसके अलावा ग्रामर के लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूँ, नीतू सिंह की किताब आपको पढ़नी है, केडी कैंपस के नाम से आती है। ठीक है, केडी कैंपस के नाम से वो किताब आती है, जो कि पहले पैरामाउंट के नाम से वो किताब आती थी, इस वक्त केडी कैंपस के नाम से वो किताब आती है। तो आपको वॉल्यूम वन किताब लेना है, वॉल्यूम वन, ठीक है, वॉल्यूम वन किताब लेना है। उसमें ग्रामर बहुत अच्छा दिया है, ग्रामर के साथ साथ उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं, मतलब वर्ड पावर बहुत अच्छी दी है। तो आप नीतू सिंह की भी वर्ड पावर पढ़ेंगे, प्लस उनकी ग्रामर पढ़ेंगे, और प्लस ये हमारा जो वर्ड पावर जो हम दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश में अगर आप प्रैक्टिस सेट वेट लगाते जा साथ में लगाते जाएंगे तो आपका 45 प्लस 50 में से 45 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो आप 46-47 नंबर भी ला सकते हो इंग्लिश में, 46-47 नंबर आपका आ सकता है, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स है इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की मैं एक आपको ऐसी किताब बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मुझे कोई किताब समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत कम कंटेंट दिया है। और आपको पता है जिस हिसाब से आजकल का पैटर्न कंप्यूटर में आ रहा है, उस हिसाब से एक किताब आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की आप किताब लीजिए, 2019 के बाद वाली लीजिएगा, 2019 के बाद वाली एडिशन लीजिएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, 200 पेजेस की वो किताब है, हर चीज़ दिया है, हर चैप्टर दिया है। इंग्लिश वर्जन में भी आती है और हिंदी वर्जन में भी आती है। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले भी इसको ले सकते हैं, हिंदी मीडियम की अलग आती है, इंग्लिश मीडियम की अलग आती है, 2019 के बाद वाली लीजिएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं। इस किताब को जनरली वो लोग पढ़ते हैं जो SBI PO की तैयारी करते हैं, आपको पता है बैंक में कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा जाता है, तो उस लेवल की ये किताब है। आप अभी से उस किताब को पढ़ें, 200 पेज की किताब है, आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 20 में से 20 नंबर आपके आ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की किताब है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश और कंप्यूटर। ठीक है, एक विषय और है जिसको आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, हिंदी। ठीक है, आपको पता है हिंदी थोड़ा ईजी आती है, तो आप हिंदी में मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो, फुल मार्क्स हिंदी में भी मार सकते हो, क्योंकि इसमें हिंदी ईजी आती है। ठीक है, तो आप जब इसमें बेटर करोगे तो GS में अगर आपका थोड़ा सा कम भी रह गया तो आप उतना इंग्लिश में खींच लिए होगे, प्लस उतना आप कंप्यूटर में खींच लिए होगे, तो जो GS में जो सिविल वाले जितना आगे हुए थे वो आप कवर कर ले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, अभी से लग जाइए। देखिए, वैकेंसी कब आएगी अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसी आएगी, तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है, जिस हिसाब से मेरिट जा रही है, उस हिसाब से आपको अभी से लग जाना है। हिम्मत मत हारिए, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जिनका एक दो नंबर से रुका है आपको तो श्योर हो जाएगा, बस थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा बस प्लानिंग चेंज करिए। ठीक है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिले, डेली वीडियोस मिले जिसमें मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।